इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब इंडियन आर्मी ने एक नया ऑपरेशन छेड़ दिया है और इस ऑपरेशन के छेड़ने के बाद से ही पीओके को अब भारत का हिस्सा बनाने की जो ललक है वह पूरी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसकी वजह से कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं उनको भी सही तरीके से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरीके से दुश्मन देश के विदेश मंत्री को अपने घर में बुला करके और फिर उस देश के खिलाफ कोई ऑपरेशन लॉन्च करना, ऐसा करना सिर्फ भारत ही कर सकता है, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं किया है। इन सभी चीज़ों के बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ अपनी सीमा पर अतिरिक्त 50,000 जवानों की तैनाती भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने पीओके से लेकर के एलओसी तक के बॉर्डर को सील कर दिया है और साथ ही साथ किसी भी हमले के लिए अपने आर्मी को तैयार रहने की हिदायत दे दी है। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी इंडियन आर्मी जिस तरीके से अपनी शौर्य दिखा रही है और जिस तरीके से हमले की पूरी वीडियो आ रही है, इन सभी चीज़ों को देख करके एक तरफ तो पीओके वालों के मन में खुशी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों के मन में डर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं कि भले ही इंडिया जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है वह आतंकवादियों के खिलाफ हो, लेकिन जब वह आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करता है तो आतंकवादियों को मारने के क्रम में कब वो जम्मू कश्मीर से क्रॉस करके एलओसी के उस पार आ जाता है यह खुद भारत के आर्मी को भी नहीं पता। इसी बात से पाकिस्तान के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। अब आतंकवादियों के खिलाफ जारी किया गया यह ऑपरेशन कब भारत और पाकिस्तान के बीच का ऑपरेशन बन जाएगा, इस बात की चिंता पाकिस्तान के लोग बखूबी कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है, क्या लगे हाथ इस ऑपरेशन को बढ़ा देना चाहिए और पीओके भी ले लेना चाहिए या नहीं? वैसे अमेरिका ने भी इस पर अलर्ट जारी किया है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना